आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, होली का त्यौहार आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ये पर्व हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा, वहीं रंग वाली होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। होली से पहले होलिका दहन की परंपरा है। होलिका दहन की अग्नि को बहुत ही शुभकारी माना जाता है। कहते हैं होलिका पूजन जिस घर में विधि विधान से किया जाता है वहाँ मुश्किलों को दूर होते देर नहीं लगती है। होली खुशियों का त्यौहार है, लेकिन कुछ लोगों को होलिका दहन देखना नहीं चाहिए, इससे अशुभ प्रभाव होता है। आइए जानते हैं किन लोगों को होलिका दहन की पूजा नहीं देखनी चाहिए। जिनके इकलौती संतान है उन माँ बाप को नहीं देखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों के घर में एक ही बच्चा है उन्हें होली की अग्नि में आहुति अर्पित करने से भी बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो जिनके एक बच्चा है उन्हें ना तो होलिका दहन देखना चाहिए और न ही उन्हें उसमें आहुति देनी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को लेकर शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि से दूर रहना चाहिए। इससे महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान होलिका दहन देखने से बचना चाहिए। नवजात बच्चे को नहीं दिखानी चाहिए होलिका की पूजा। नवजात शिशु को होलिका पूजन से दूर रखना चाहिए, ये बड़े दोष का कारण बनता है। ऐसे में बच्चे पर नकारात्मक शक्तियों का असर पड़ने का खतरा होता है। इसलिए होली की पूजा में बच्चे को लेकर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवविवाहित स्त्रियों को विवाह के बाद पहली होली की अग्नि को जलते हुए नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से दंपति जीवन की सुख समृद्धि चली जाती है। तो जिनकी नई शादी हुई है उन लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। और इसके अलावा एक खास बात ये है कि मान्यता के अनुसार सास बहू को एक साथ होलिका दहन की पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर दोष लगता है, इसे सास बहू के आपसी रिश्ते खराब होते हैं। इसलिए सास और बहू को एक साथ होलिका दहन की पूजा करने से बचना चाहिए। आप सबकी होली मंगलमय हो। अब आपसे विदा लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।